अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। मैं खुद कहता हूं कि मेरे अनुभव की बात करता हूं और आप कहते हैं कि दादा भगवान की बात नहीं करते, उसमें कहां डिफरेंस है? है डिफरेंस? डिफरेंस है कोई? आप कहते हैं कि नहीं करते हैं और मैं कहता हूं मैं अनुभव की बात करता हूं, तो फिर प्रश्न कहां है? राम कहता है मैं मेरी बात करता हूं, कृष्ण कहता है मैं मेरी बात करता हूं, महावीर कहते हैं मेरी बात करता हूं, तो प्रश्न कहां है? फिर आप ऐसा कहेंगे कि राम कृष्ण राम की बात नहीं करते हैं, महावीर कृष्ण की बात नहीं करते, बोल सकते हैं ऐसा? वो खुद कहते हैं कि मैं अपना अनुभव करता हूं, तो फिर प्रश्न कहां आया? आप समझे कि नहीं? मगर आम लोगों को ये सब बातें समझने में थोड़ा समय लगता है। क्या लगता है? क्योंकि जिस प्रकार की घरेड़ से वो यूज टू है, उसमें से बाहर निकलना थोड़ा क्या लगेगा? समय लगेगा। और मैं भी मानता हूँ समय लगेगा, इसीलिए मैं शांति से बैठा हूँ, धीरे 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 लोगों को समझा रहा हूँ। कई बार तो मेरे को कहते हैं कि स्वामी जी आप एक 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 प्रकार की बात इतनी बार करते हैं तो आपको कंटाला नहीं आता है? मैंने बोला कैसे आएगा, हम जब नौकरी करते हैं धंधे करते हैं तो हर रोज वही काम करते हैं, वही खरीदना वही बेचना, वही खरीदना वही बेचना, आंकड़ा वही लगाने का, 1,000, 2,000, 3,000, कभी कंटालते हैं? तो ऐसा है, अब आपका काम है, ये मेरा काम है। तो उसमें कंटालने की कोई सवाल ही नहीं है, उसी का नाम तो बाह्य जीवन है। क्या है? बाह्य जीवन है। वही हर रोज उठना, स्नान करना, ब्रश करना, चाय नाश्ता करना, दुकान पे जाना, घर पे आना, खाना खाना, सो जाना, वही तो रूटीन है। हम कंटाल जाते रोज रोज क्या है करने का? तो वही तो लाइफ है, वही क्या है? लाइफ है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये शरीर में वेदना होती है, पीड़ा होती है, वो किसको होती है? वेदना और पीड़ा वो कर्मों की भुगतान है। तो डिस्चार्ज अहंकार को, डिस्चार्ज अहंकार चित इसको होती है। अच्छा, फिजिकली शरीर को होती है, अनुभव करने वाले नोट करने वाले वो है, शरीर को डायरेक्ट नहीं होती है, शरीर के माध्यम से मन बुद्धि चित अहंकार जो डिस्चार्ज है उसको होगी। अगर ये शरीर में से आत्मा निकल गया फिर जला दिया गया तो वेदना किसको होगी? तो शरीर तो है, शरीर मगर शरीर के माध्यम से मन बुद्धि जो अहंकार है, अंतस्करण डिस्चार्ज इसको होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो कर्म फल है। तो अंतस्करण भी डिस्चार्ज है और बाह्यकरण भी डिस्चार्ज है, आप समझे ना? और चार्ज वाला भाग जब डिस्चार्ज में जॉइंट हो गया तो फिर नया कर्म बनेगा। मेरे को वेदना होती है ऐसा अंदर मान लिया तो नया चार्ज होगा, शरीर को वेदना होती है ऐसा मान लिया तो फिर, और शरीर की वेदना को मैं जानने वाला देखने वाला हूं तो कोई तकलीफ नहीं। अगर मेरे को हो गई तो आप अटैच हो गए, क्या हो गए? इसमें शरीर को तो होगी, इसमें प्रतिष्ठित आत्मा का रोल नहीं है। इसमें प्रतिष्ठित आत्मा का है, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, डिस्चार्ज उनका तो रोल है, चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा का रोल इससे अलग रहना है। क्योंकि मन वचन काया बुद्धि चित अहंकार वो वेदक स्वभाव वाले हैं और मैं निर्वेदक हूँ, मगर मैं उससे जुड़ गया तो मैं खुद वेदक बन गया, तो ये गलती हो गई मेरी, जॉइंट हो गया। इसीलिए मन वचन काया तो वेदक है, बुद्धि चित अहंकार भी वेदक है, मगर मैं निर्वेदक हूँ। क्या हूँ? तो मेरा स्वभाव स्वरूप अलग है, इनका स्वरूप और स्वभाव अलग है। ये ज्ञान प्रतिष्ठित आत्मा को होना चाहिए। इसका एक टाइटल, इसका एक नाम है धर्म के मार्ग में, उसको कहते हैं भेद विज्ञान। क्या बोलते हैं? भेद विज्ञान। प्रकृति और परमात्मा का ज्ञान को अलग करना वो भेद विज्ञान है। प्रकृति का ज्ञान भी अलग है और परमात्मा का ज्ञान भी
प्रकृति स्थूल है, परमात्मा सूक्ष्म है। प्रकृति वेदक है, परमात्मा निर्वेदक है। प्रकृति विनाशी है, परमात्मा अविनाशी है। प्रकृति जड़ है, परमात्मा चेतन है। दोनों का स्वभाव क्या है? अलग अलग है। और हमारी दृष्टि में अलग रखना, उसका नाम है सम्यक ज्ञान दर्शन। क्या है? सम्यक ज्ञान दर्शन। और सम्यक ज्ञान दर्शन का उपयोग करना, उसी से बनता है सम्यक चारित्र। क्या बनता है? चारित्र। तो ये कोई फिजिकल बात नहीं है, ये अनुभव दशा की बात है। उपयोग के माध्यम से अनुभव दशा की बात है, ये कोई फिजिकल क्रिया की बात नहीं है, ये कोई पाप पुण्य की बात नहीं है। तो ये पुरुषार्थ का मार्ग है। भगवान 12.5 साल तक जंगल में रहे, आंखें बंद बंद करके खड़े रहे, और हम कहेंगे भगवान ने पुरुषार्थ किया, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो बाहर पुरुषार्थ किया, अंदर किया? अंदर। हम किसको मानते हैं अभी तक? तो मतलब जो भगवान मानते हैं उसको हम नहीं मानते हैं। भाई भगवान भगवान ने अंदर किया और हम करते बाहर। तो समझने की जरूरत है, पुरुषार्थ कभी बाहर नहीं होता है, पुरुषार्थ अंदर होता है। बाहर जो पुरुषार्थ बोलते हैं वो तो हमारी अज्ञानता है। क्या है वो? पुरुषार्थ नहीं है, वो परिणाम है। मगर परिणाम के ऊपर हम मानते हैं कि मैंने किया, वो अज्ञानता है। स्वामी जी, यस, अगर मैं समझूं कि भाई मेरे पास पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, है, और सामने वाले की बात मैं नहीं सुनूंगा, तो उसमें गलती मेरी है या सामने वाले? पूर्ण ज्ञान है, नहीं सुना, समझ में नहीं आया मेरे को। मतलब अभी मैंने ज्ञान लिया, मेरे पास पूर्ण ज्ञान आ गया, मैं समझ रहा हूँ, एक्चुअली है नहीं, लेकिन मैंने समझ लिया कि मेरे पास पूर्ण ज्ञान है और सामने वाला मेरे को कुछ बात समझा रहा है, वो बात मैं समझ रही हूँ, मैं क्यों नहीं समझ रहा हूँ? कि तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, तो गलती किसकी है? जो ज्ञान मैं बता रहा हूँ उसकी है, कि सामने वाला मेरे को समझा रहा है मैं नहीं समझ रहा हूँ उसकी है? नहीं, समझना और समझाना वो तो संयोग है। क्या है? संयोग है। और ज्ञान होता है वो अनुभूति है। क्या है? अनुभूति। अनुभूति। शब्द ज्ञान को ज्ञान कहेंगे, मगर वो श्रुत ज्ञान है। क्या है? श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान परमानेंट नहीं होता है, अनुभव ज्ञान परमानेंट होता है और कैरफुल होता है। श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान परिवर्तनशील होता है। क्या होता है? तो सामने वाला अपने अनुभव के हिसाब से उसको समझा रहा है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, तुम्हारे पास ज्ञान ही नहीं है, तुम मेरे को कैसे समझाओगे? तो इसीलिए कहते हैं ना कि ज्ञान है या नहीं है। तो इसका एक क्या है, अहंकार है, क्या है उसमें? वो बाहर के माध्यम से समझने की जरूरत नहीं है। क्या बताया? बाहर के माध्यम से हम नहीं समझ सकते कि ज्ञान है कि नहीं। भगवान भी यहाँ खड़े तीर्थंकर के रूप में, ज्ञान के रूप में, हम बाहर से नहीं समझ सकते कि वो केवल ज्ञानी है कि नहीं है। बराबर है, आप समझे? लेकिन सामने वाले की बात तो हम सुन तो सकते हैं ना, कि भाई क्या बोल रहे हैं? सुन भी सकते हैं। हाँ, और हो सकता है स्मरण भी कर सकते हैं कि भाई क्या बोल रहा है, सामने वाला कैसे समझा रहा है। बराबर है, मगर वो जरूरत के ऊपर आधारित है। क्या है? जरूरत के ऊपर आधारित। सुनना वो अपना उदय कर्म हो सकता है, स्वीकारना न स्वीकारना वो कंपलसरी नहीं। लेकिन है। हम अगर उसको बोल दे कि भाई तुम्हारे पास ज्ञान ही नहीं है, तुम मेरे को समझा रहे हो, तो मतलब ही नहीं। फिर वो रिलेटिव सत्य हो गया। हाँ, क्या हो गया? रिलेटिव सत्य। हमारे पास ज्ञान है, आपके पास ज्ञान नहीं है, या तो आपके पास आपके हिसाब का ज्ञान है। हाँ। और हमारे पास अनुभव का ज्ञान है। हाँ। आप हमको कोई भी बात बता रहे हैं, तो अगर मैं कहूँगा कि आपके पास ज्ञान नहीं है, तो मेरी दृष्टि सही नहीं। नहीं, मेरे को ये बता रहना चाहिए कि आप जो बता रहे हैं ये रिलेटिव सत्य है और सनातन सत्य ये है। अगर आपको स्वीकारना है तो स्वीकार सकते हैं, नहीं स्वीकारना है तो नहीं स्वीकार सकते। मगर आप जो बता रहे हैं वो व्यवहार सत्य है और ये सनातन सत्य है, उनमें से आपको जो पसंद आए वो स्वीकार सकते हैं। तो उसमें मैं बड़ा हूँ, आप छोटे हैं, मेरे पास है, आपके पास नहीं, वो बात नहीं है। हमारे पास आपने जो बताया वो आपके विजन का ज्ञान है,
और आप मेरे पास आए तो इसीलिए मैंने हमारी दृष्टि आपके सामने पेश किया। फिर आपको डिसाइड करना है कि मेरे को और अगर मैं सोच के आ गए हूँ कि भाई तीन दिन से जो बताएंगे असत्य ही है तो मेरे को दो सत्य लगेगा ही नहीं। मैं सोचता हूँ कि मेरे गुरु जो बता रहे हैं वही सत्य है, दूसरे जो बता रहे हैं वो सत्य है ही नहीं, तो सत्य आएगा ही नहीं उसमें। तो इसीलिए कहा ना कि भी हमारी हमारे पास हमारा विजन हर समय ओपन होना चाहिए। हम अपने आप वर्तुल में आ गए फिर कहेंगे हमारे पास अनलिमिटेड ज्ञान है, कैसे होगा? अनलिमिटेड ज्ञान नहीं होगा। हाँ, तो इसीलिए हमारा कहीं से भी ज्ञान मिलता है हमारा माइंड ओपन होना चाहिए। चाहिए, आप समझे? बंदिश में नहीं रहना चाहिए। बस अगर हम अपने आप को बिल्कुल संयमित कर देंगे, मर्यादा में बांध देंगे, हाँ, तो आगे का ज्ञान हमको नहीं मिलेगा। मगर कई लोग क्या समझते हैं कि भी हम तो इस व्यक्ति का सत्संग सुनते हैं तो फिर और कई जगह सुनने की जरूरत है, ऐसा प्रश्न होता है। होता है कि हम तो इसको फॉलो करते हैं तो और किसी का ज्ञान सुनने की जरूरत है, ऐसा प्रश्न होता है। होता है। तो मैं ये कहता हूँ अज्ञान हम कहीं से भी ले सकते हैं और ज्ञान लेने में मर्यादा नहीं। समझ में आया? अज्ञान कहीं से भी ले सकते हैं, मतलब एक एग्जांपल के हिसाब से आप रेलवे में जाओ, बस में जाओ, प्लेन में जाओ, समाज में जाओ, कोई भी व्यक्ति अज्ञान देगी हम इसको स्वीकार करेंगे, सुनेंगे, और ज्ञान है वो एक ही जगह पे लेने का, ऐसा नहीं? समझ में आया आपको? आपको समझ में नहीं आया? नहीं, नहीं समझ में आया। अज्ञान आप कहां से लेते हो? एक ही जगह से लेते हो? अज्ञान की बात करता हूं, सब जगह से आते हो और ज्ञान, ज्ञान भी अभी जैसे लेते हैं कि भाई कहीं समझो कहीं स्कूल से ज्ञान मिल गया, कहीं गुरु से। मैं स्कूल की बात नहीं करता हूँ, आध्यात्मिक ज्ञान की बात करता हूँ। तो अलग अलग गुरु के पास जाते हैं, अलग अलग ज्ञान मिलता है। नहीं, मगर कोई लोग कहते हैं कि एक जगह पे ज्ञान लिया है तो दूसरे के पास जाने की जरूरत है। हाँ, तो वो बोलते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि बस यहाँ पे संपूर्ण ज्ञान है, दूसरे जगह का जाने का जरूरत ही नहीं। नहीं, तो उसके सामने मैं ये बात बताता हूँ कि अज्ञान लेने की मर्यादा है नहीं है, और ज्ञान लेने की मर्यादा उसको भी नहीं है। वही तो प्रश्न है वही तो प्रश्न है, अज्ञान कहीं से भी ले सकते हैं, ज्ञान कहीं से भी नहीं ले सकते वहां रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, वही तो सबसे बड़ी अज्ञानता है। लेकिन यही सत्य ज्ञान है करके कैसे मालूम पड़े? यही सत्य ज्ञान यहां से ले रहे हैं जो, वही ज्ञान सत्य है करके कैसे मालूम पड़े? मैंने वही तो कहा, वो तो अभी अपने जीवन में हम लोग उतारेंगे। मैंने वही कहा कि कहीं से भी ले सकते हैं, मतलब क्या हुआ? कहीं से भी मतलब क्या हुआ? आप ज्ञान कहीं से भी ले सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कहां से भी हम लोग जा तो सकते? तो फिर क्वेश्चन कहां खड़ा हुआ? फिर क्वेश्चन कहाँ खड़ा हुआ कि हमको आपको ही बात को स्वीकारना है, मानना है, फॉलो करना है? ये प्रश्न ही नहीं रहा ना फिर। और कोई भी अनुभवी पुरुष कभी ऐसा नहीं कहेगा कि मेरी बात को ही स्वीकार करो। हाँ, वो यही कहेगा ये मेरा अनुभव है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, आपको पसंद आए, अच्छा लगे, आपकी प्रोग्रेस में सहायक लगे तो आप इसको स्वीकार कर सकते हैं, नहीं लगे तो आप इसको स्वीकार नहीं करो, नहीं कर सकते। बस जैसे हमने कल वहां जाके सुना, सुन लिए, अगर हमारे को सही लगा उसमें से, लगा नहीं रखा तो छोड़ दिया, उधर ही छोड़ के वापस आ गए। इसमें वाद विवाद की जरूरत नहीं है उनके पास जो होगा वो देगा, दे देंगे, और अपने को लेना होगा और हमारे पास जो होगा वो प्रश्न करेंगे तो देंगे। वो कहता है आपको प्रश्न करना ही नहीं है, हम जो कहें वो सुन। हाँ, तो वो गलत है कि जो मैं सोचा हूँ वो मैंने जो समझा वही सत्य है, वो गलत है। वो गलत नहीं है, कहने का मतलब ये हमारा संजोग है, क्या है तो वहां से संभाव से निकल जाना है बस। हाँ। उसमें राग द्वेष करने की जरूरत नहीं है। हम वहां कुछ देने के लिए नहीं गए थे, हम म्यूजियम के रूप में गए थे। क्या बताया?
म्यूजियम में देखना है, जानना है, कुछ लेके आना नहीं है। आप समझे ना, जो भी देखा है, जाना है, वहाँ छोड़ के आना है। क्योंकि म्यूजियम में गए थे, क्या गए थे, कुछ लेने के लिए नहीं गए थे और न कुछ देने के लिए गए थे, म्यूजियम को देखने के। ये पूरी दुनिया म्यूजियम तो है, और क्या है, क्या है, म्यूजियम है। हर अवस्था बदलती रहती है, हर अवस्था हर व्यक्ति की बदलती रहती है। उसमें सच्चाई क्या है, ये सब टेम्पररी ट्रूथ है। क्या है, अभी है, एक घंटे के बाद नहीं रहेगा। अभी आप यहां बैठे हैं, एक घंटे के बाद कहीं और होंगे। तो ये सनातन सत्य थोड़ी है, ये अवस्था का सत्य है। तो उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आप समझे। जय सच्चिदान। जय सच्चिदान। जो ये कर्म फल है, जैसे शरीर को इन्होंने अभी बताया कि भुगतान आता है या पीड़ा आती है, तो ये हम कौन से कर्म करते हैं जो हमको ये शरीर की पीड़ा आती है, या जो भी आता है, क्या कर्म से हमको ये मिलता है? हम वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म नहीं, वो क्या कर्म करते हैं हम? वैसा किसी को दुख देने की भावना, चाहे मन से, चाहे वसन से, चाहे क्रिया से, ये दुख देने की भावना, उसका फल वेदनीय कर्म। तो वो वर्बल भी हो सकता है या कोई भी, मानसिक भी हो सकता है, वाचिक भी हो सकता है और शारीरिक भी हो सकता है। तो वो कर्म फल में सिर्फ शारीरिक या कैसे भी आ सकता है? शारीरिक कर्म है तो शारीरिक भुगतान आएगी। शब्दों का, मानसिक कर्म है तो मानसिक भुगतान आएगी। मतलब किसी को मानसिक दुख देने की भावना होती है, किसी को त्रास दे दिया शब्दों से, जबान से, और फिर आनंद व्यक्त किया, उसको ऐसा करना ही चाहिए, तो फिर आपको भी मानसिक दुख आएगा, तनाव। किसी को जबान से बोल दिया गलत, तो उनको सुनना पड़ता है, तो फिर आपको वाणी से आपको दुख आएगा, वो भी आपको सुनना पड़ेगा। और किसी को शारीरिक कष्ट देने की भावना हो गई है, तो आपको शारीरिक कष्ट मिलेगा। एग्जाम्पल, कोई भी शारीरिक कष्ट, शरीर से जो भी भुगतान आती है वो सब शारीरिक कष्ट है। कष्ट का मतलब होता है पीड़ा, जो हमको पसंद नहीं है वो स्वीकारना पड़ता है, भुगतान करनी पड़ती है, वो सब शारीरिक पीड़ा है। शारीरिक पीड़ा है, बट हमने किसको ऐसे कैसे शारीरिक पीड़ा देते हैं? एग्जाम्पल से, भाव से दिया, शारीरिक पीड़ा भाव से दिया। हाँ, तो हो सकता है ना, ये मन वचन काया तीनों भाव से कर सकते हैं ना, तभी तो मिलता है। ये भुगतान के लिए, भुगतान के लिए मिला है। मैंने पुण्य किया तो लक्ष्मी मिलेगी, ऐसा नहीं कि लक्ष्मी दिया इसे लक्ष्मी मिलेगी, पुण्य का फल लक्ष्मी मिली, और लक्ष्मी का मैं यूज करूंगा तो मेरे को भौतिक सुख मिलेगा। तो किसी को सुख देने की भावना, मेरे को सुख मिलेगा, मगर सुख मिलने की भी प्रोसेस होगी और दुख मिलने की भी प्रोसेस होगी ना। मैंने किसी को दुख देने की भावना किया है, ठीक है, अभी ये बर्थ में क्या होगा, मेरे को दुख मिलने वाला है, मगर कैसे मिलने वाला है वो मेरे को नहीं मालूम है। तो मैं रास्ते में, मैं घर में चलूंगा और कहीं ऑयल का टीपा जमीन पे गिर गया है, मेरे को नहीं मालूम, मैं चलते चलते फिसल गई और पाँव में फ्रैक्चर हो गया, तो क्या हो गया, वेदनीय कर्म हो गया ना। तो किसी ने दिया नहीं है, मगर ये मेरे कर्मों का फल है, शारीरिक कर्मों का ये शारीरिक, किसी को दुख देने की भावना, इसका ये फल शारीरिक है। मानसिक दुख देने की भावना, उसका फल मानसिक आएगा, और जबान से दुख देने की भावना, वो जबान से आएगा। ये तीनों प्रकार की कैटेगरी की भुगतान के लिए ये कुदरत ने हमको मन वचन काया तीनों दिया है। उससे सुख भी अनुभव कर सकते हैं और दुख भी अनुभव कर सकते हैं। ये मीडिया है, क्या है, पैसे से हम सुख भी अनुभव कर सकते हैं और दुख भी अनुभव कर सकते हैं। तो पैसा सुख दुख नहीं है, अनुभूति सुख दुख है। क्या है, हम जब बैंक में पैसा लेने के लिए जाते हैं, उस समय हमको सुख की अनुभूति हो कि मेरे पास पैसा पॉकेट में पड़ा है, मगर वही पॉकेट में से हम रात को 12 बजे चल के निकलते हैं तो दुख होता है कि इतना सारा पैसा है, कोई लूट लेगा तो दुख की अनुभूति होती है। पैसा तो वही का वही है, पैसा सुख दुख नहीं देता है, अवस्था के रूप में सुख दुख की अनुभूति होती है।